केंद्र प्रशासन कृषक संघटना च अंतरा ह्य विज्ञान भवने समनुष्ठित चर्चोपवेशनम उपवेशने चतुर्षु विषयेषु चर्चा विषयद्वये सहमत्यस्ति अधिगतम आगामी मासस्य चतुर्थे दिनांके अग्रिमाः वार्ताः। ह्यः समनुष्ठिते केन्द्रीय मंत्रिमंडलीयोपवेशने विकासपराः नैकाः निर्णयाः आकाश इत्याख्याः प्रक्षेप्यास्त्र प्रणाल्याः निर्यातं समेत्य कृष्णापट्टनम तुमकुर चेति औद्योगिक क्षेत्रयोः विकासाय अनुमतं प्रशासनेन इथेनॉल इति वाष्पशील ज्वलनशील तरल पदार्थाय अपि अनुमतिः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना एतन्मासिकं प्रगत्युपवेशनं विहितं रेल राजमार्ग नागर विकासपराः योजनाः समीक्षितास्तेन राज्यानां मुख्यसचिवाः प्रवर्तमान योजनाः निश्चित कार्यावधौ सम्पादयितुं प्रकरणानां समाधानाय च विनिर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्याय उपायनपरम् अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य सौविध्यम् उपकल्पयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः अनेन प्रयासेन निकटवर्ति जनैः स्वाल्पात्मिकाः गुणवत्ता पराश्च स्वास्थ्य सेवाः प्राप्स्यन्ते। विद्यार्थीनां परीक्षा योजना परा प्रतीक्षा अद्य अवसानमेति सायं षड्वादने केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा मण्डलीय परीक्षाः समुद्घोषयिष्यन्ते। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयेन ट्वीट माध्यमेन संसूचितमिदम्। अपि च पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपात कारणेन दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान चेति राज्यानि समेत्य नैकेषु राज्येषु शीतप्रकोपः समभिवर्धितः। आगामि मासस्य चतुर्थे पञ्चमे च दिनांके देशस्य उदीच्य भागे वृष्टिः सम्भाव्यते। अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं जीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनं कृषक संघटनानि चान्तरेण ह्यः नवदिल्लीस्थ विज्ञान भवने षष्ठमस्तरीयाः वार्ताः समनुष्ठिताः। वार्ताक्रमे चतुर्षु विषयेषु मन्त्रणायै समनुष्ठीयोपवेशने विषयद्वयम् अभिसम्मतम्। उपवेशनेऽस्मिन् केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः पीयूष गोयलश्च उपस्थितः आसीत्। उपवेशनानन्तरं श्रीतोमरो अवादीत् यत् सद्यस्तनीयः वार्ताक्रमः सकारात्मक वातावरणे सम्पन्नः। अमुना प्रोक्तं यत् विषयद्वये साहमत्यमस्ति अधिगतम्। अपि च दिल्लीं निकषा प्रवर्तिते शीतप्रकोपे तेन कृषकाः प्रार्थिता सन्ति यत् महिलाः बालाश्च गृहं प्रेषणीयाः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि जनवरी मासस्य चतुर्थे दिनांके अग्रिमस्तरीयः वार्ताक्रमः समनुष्ठास्यते यस्मिन् अभिनवं कृषिविधिं न्यूनतम समर्थनमूल्यं च समाश्रित्य चर्चाः भवितारः इत्याकल्यते। जो चार विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें दो विषयों पर आपसी रजाबंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं, उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजाबंदी हो गई। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् प्रशासनेन पत्रमाध्यमेन कृषकाः मन्त्रणायै समाहूताः। प्रशासनं कृषकैः साकं सम्बद्ध प्रकरणेषु उन्मुक्त मनसा चर्चयितुं प्रासंगिक विषयेषु च तर्कपूर्ण समाधानम् ईहते। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य प्रशासनं कृषक संघटनानि समाश्वासयत् यत् प्रशासनं कृषकाणां हिताय तदीय समस्यानां समाधानाय च अस्ति प्रतिबद्धम्।
प्रधानमन्त्रिणो मोदिनो अध्यक्षे केन्द्रीय मन्त्री मण्डलीयोपवेशने नैके निर्णयाः उररीकृताः। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण प्रत्यपादित यत् आर्थिक समित्या प्रायः 25-77,000 रूप्यक मूल्यैः औद्योगिक नगराणां विकासाय निर्णयः स्वीकृतः। योगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवेज है, जहां बंदरगाह है, जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का और क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग 3,00,000 रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। तेन प्रोक्तं यत् कृष्णपट्टनम् इति जलपोतपत्तने ऊनचत्वारिंशदधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रकोटिरूप्यकैः औद्योगिकनगराणां विकासो भविता। अपि च तुमकुर दादरी चेति औद्योगिकक्षेत्रयोः विकासः सम्पादयिष्यते। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहां 2,139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1,701 करोड़ के लागत से, कर्नाटक में है ये इंडस्ट्रियल, चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है उसके ये दो महत्वपूर्ण आधार है। तीसरा, दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पारादीप विमानपत्तने पश्चिमोत्तरीय प्रैष विभागाय 30,000 करोड़ रूप्यक मूल्यैः आधुनिकं विश्वस्तरीयं च जलपोतपत्तनं विनिर्मातुं निर्णयो स्वीकृतः। जिस 25 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला है, 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप वेसल्स आ पाएगी। डॉक बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट, मतलब पारादीप, ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ह्यः 34वें प्रगत्युपवेशने अध्यक्षं व्यदधात्। अमुना नैकाः परियोजनाः समीक्षिताः। परियोजना कार्यक्रमे हि सः परिदेवनाः समीक्षिताः, येषु रेलसेवाः, मार्गपरिवहनं, राजमार्गाः, नगरीय विकास सम्बद्धाः विषयाः समाविशन्ति। प्रायः 1,00,000 करोड़ रूप्यक मूल्यैः इमाः सर्वाः योजनाः उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, दादर नगर हवेली चेति 10 राज्येषु केन्द्रशासित राज्येषु च प्रचलन्ते। प्रधानमन्त्रिणा मुख्य सचिवाः निर्धारितावधौ प्रचल्यमान परियोजनाः सम्पादयितुं समध्यर्थिताः। अवसरेस्मिन् श्रीमोदिना आयुष्मान् भारतम्, जल जीवनाभियानम् इत्येतत् सम्बद्ध योजनाश्चापि समीक्षिताः। आयुष्मान् भारतान्तर्गतं 100% यावत् लक्ष्यं समधिगन्तुं समभ्यर्पितम्। अन्यच्च उपभोक्त सम्बद्ध प्रकरणेष्वपि सूचनाः समधिगतास्तेन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात प्रदेशाय नववर्षोपायनं प्रदास्यति। दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा राजकोट क्षेत्रे एम्स इति अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य आधारशिला स्थापयिष्यते। 95,100,000 करोड़ व्ययात्मकस्य अस्य संस्थानस्य निर्माणं 22,000 तमाब्दे पूर्णतामेष्यति। नूतन संस्थानस्य स्थापनानन्तरं राजकोटे तत्समीपवर्ति क्षेत्रेषु च स्वल्पात्मिकाः उत्तमाश्च स्वास्थ्य सेवाः भवेयुः। एतदर्थं 50-70 रुग्णशय्यायुतेस्मिन् अत्याधुनिक चिकित्सालये 30 शय्यायुतः आयुष प्रखण्डोऽपि भविता। अत्रान्तरे 4,000 जनेभ्यः साक्षात् वृत्त्यवसरोऽपि अवाप्स्यते, एवं च अप्रत्यक्षरूपेण 1,000+ जनेभ्यः वृत्तिरवसराः अवाप्स्यन्ते।
केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा मण्डलस्य दशमी कक्षायाः द्वादश कक्षायाश्च वार्षिक परीक्षोद्घोषः अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। विद्यार्थिनां प्रतीक्षा समाप्तिम् इति केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकः अद्य सायं 6 वादने एतद् उद्घोषं करिष्यति। इतः प्राक् शिक्षा मंत्रिणा छात्रैः शिक्षकैः अभिभावकैश्च साकं समनुष्ठिते अन्तर्जालीयोपवेशने आगामी वार्षिक परीक्षायोजनम् अतीव आवश्यकं प्रतिपादितम् आसीत्। शिक्षा संवाद हमारा चलता है लगातार, उसके बाद जो उनके सुझाव मिले हैं और जो हमको भविष्य में क्या परिस्थितियां हैं ये करके अभी हम नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम इसको बता रहे हैं, वो तिथियों को भी सुनिश्चित करेंगे और उनकी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको भी ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि उनको आगे की तिथियां घोषित कर सकें कि जब वो परीक्षाओं को देना है। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन ह्यः दृश्य श्रव्य परांतर्जालीय माध्यमेन कल्पित रीत्या डिजिटल इंडिया इत्याख्यः ऐषमो 20वीं शताब्दीकाः पुरस्काराः वितरिताः। अवसरेस्मिन् राष्ट्रपतिना प्रोदीरितं यत् कोरोना महामार्याः काले सामाजिक परिवेशः परिवर्तितः, सममेव आर्थिक गतिविधिषु स्वास्थ्य सेवासु अपि शिक्षां समेत्य नैकेषु च बृहन्मात्रायां परिवर्तनानि समंकितानि। अमुना आशा प्रकटिता यत् यथाशीघ्रं कोरोना संक्रमणमपि अवसानं यास्यति। ईयर ऑफ कोविड-19, द ईयर इज अबाउट टू एंड नाउ एंड लेट अस होप द पैंडेमिक विल आल्सो एंड सून। इट विल नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू से that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions. But this year, they helped us overcome the big disruption to a great extent. राष्ट्रपतिना कथितं यत् अद्यत्वे नः जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रौद्योगिक्याः प्रवेशः वर्धितः, आंकिकीय धनशोधनद्वारा वित्तीय व्यवस्थायां सकारात्मकः प्रभावः दरीदृष्टः। आरोग्यसेतु, ई ऑफिस इत्येतैः सौविध्यपरैः दृश्य श्रव्य दूरभाषचरिष्णुतन्त्रैः दैनिक कार्येषु समुपजातसमस्यानां निवारणमपि समजायत। कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमणं समालक्ष्य राष्ट्रम अनवरतां सफलतामेति। स्वास्थ्य मंत्रालयानुसारं देशे सांप्रतं यावत् प्रायः 98.5 लाख रोगिणः सकुशलं गृहमुपेताः। कोरोना प्रत्यवाप्तिमिति 99.95% यावत् संवृत्तः। मृत्युमितौ अपि अपचितिः दृश्यते। विगते अहोरात्रे 270.5 लाख जनाः पूर्णतया स्वस्थीभूताः। अखिलमपि उत्तर भारतं शीत प्रकोपं सम्मुखीकुरुते। पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपात कारणेन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान चेति राज्यानि समेत्य नैकेषु राज्येषु शीत प्रकोपः समभिवर्धितः। आगामि मासस्य चतुर्थे पंचमे च दिनांके देशस्य उदीच्य भागे वृष्टिः संभाव्यते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।